आखिर वोचन की मोम कौन है और वोचन के डैड एंड सिस्टर के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो का कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट को मिस करें। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो वोचन के मॉम डैड एंड सिस्टर के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं वोचन के बारे में। तो वोचन का जन्म 10 सितंबर 1992 को कासुकाबे में हुआ था और वोचन की उम्र भी शिनचैन के जितनी ही है, यानी कि शिनचैन 5 साल का है तो वोचन भी 5 साल का ही है। तो अब हम बात कर लेते हैं वोचन की हॉबीज के बारे में। तो वोचन को स्टोन कलेक्ट करने का काफी शौक है और वोचन कोई ऐसे वैसे स्टोन कलेक्ट नहीं करता है। वो स्टोन काफी यूनिक होते हैं, काफी अलग शेप के होते हैं। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि वोचन को मिस्ट्री सॉल्व करना एंड एलियंस के बारे में भी जानने का बहुत शौक रहता है और वोचन को बड़ा होकर साइंटिस्ट भी बनना है, जो कि आपने शिनचैन की मूवी विलन और दुल्हन में देखा ही होगा कि उसमें वोचन साइंटिस्ट बन चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं वोचन की बहन के बारे में। तो वोचन की बहन का नाम है नीजो सुजुकी। तो वोचन को तो आप सुजुकी नाम से भी जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि वोचन का पूरा नाम है वोचन सुजुकी। वोचन के पीछे सुजुकी जो लगता है, सुजुकी उसका सरनेम है। तो वोचन की जो बहन है वो भी हिमावाली की जितनी ही बड़ी है। तो अब हम बात कर लेते हैं वोचन के डैड के बारे में। तो वोचन के डैड के बारे में हमें कभी भी कुछ भी नहीं बताया गया है, क्योंकि वोचन के डैड कभी भी ना ही शिनचैन के एनिमे में दिखे, ना ही कभी मांगा में दिखे हैं। तो अब हम बात करते हैं वोचन की मोम के बारे में। तो वोचन की जो मोम है उनको कभी भी शिनचैन के एनिमे सीरीज में नहीं दिखाया गया है, लेकिन वोचन की मोम को शिनचैन की मांगा वॉल्यूम 10 में दिखाया गया है। उस मांगा में कुछ यूं बताया गया है कि शिनचैन एंड उसके फ्रेंड्स बात कर रहे होते कि हमने सभी के पेरेंट्स को देखा है, लेकिन हमने वो के मोम एंड डैड को नहीं देखा है। और वो सब प्लान बनाते हैं कि आज से शाम को हम वो क्या पीछा करेंगे और वो के मोम डैड को देखेंगे, कि तभी वहाँ वो आ जाता है और वो सब खेलने लग जाते हैं। फिर बाद में जब शाम होती है तो शाम को वो वो का पीछा करते हैं और वो थोड़ा सा आगे जाते हैं कि वहाँ परेड हो रही होती है। परेड की वजह से उन सभी का ध्यान भटक जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और फिर शिनचैन एंड उसके फ्रेंड्स वापस से घर चले जाते हैं। लेकिन इसके अगले सीन में हमें वो की मोम को दिखाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो